हुआ वही, पाकिस्तान ने एक और जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड को एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन आसिफ अली आए और एक ओवर में उन्होंने कहानी बदल दी। सऊदी के ओवर में 2 छक्के लगे, उसके बाद बोल्ट को, पहले सऊदी को, अब एक बोल्ट को, पाकिस्तान जीत गया और आई थिंक वर्चुअली सेमीफाइनल में पहुंच गया, वर्चुअली सेमीफाइनल में पहुंच गया। आई थिंक दो बड़ी टीमों को उन्होंने हराया, अब उनका एक बड़ा मैच अफगानिस्तान के साथ, नामीबिया और उसके बाद स्कॉटलैंड के साथ। सो पाकिस्तान आई थिंक इस पूल से चला गया। आप कुछ बोल रहे थे? मैंने ये बोला था कि मैंने कहा था कि भारत के लिए अच्छा होगा कैसे? अगर पाकिस्तान जीत जाए। कैसे? क्योंकि अब न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो मुकाबला होगा, भारत को मुकाबला जीतना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका काम ऐसे ही आसान हो गया, जीतना है, लेकिन जो दूसरी टीम हो जाएगी अगर वो जीतते जाएंगे तो वही रहेंगे, मतलब तीसरी टीम के आने के चांसेस कम होंगे। राहुल जी आपकी कुछ टिप्पणी? नहीं टिप्पणी क्या, आपको अपना मैच जीतना है, बाकी ठीक है, पाकिस्तान जीता, न्यूजीलैंड जीता, अच्छा मैच हो गया। पाकिस्तान ने एक वक्त पे, बावजूद इसके कि शोएब मलिक बड़ी मेहनत भी कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने डिस्पाइट द फैक्ट, पर विकेट नहीं गिरी उनकी। और वहाँ पे आसिफ, एक वक्त पे तो हार गया था पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगा 135 में, मुझे लगा कि एक वक्त पे हार चुका था पाकिस्तान। मुझे लगता है सऊदी का वो ओवर, उसके पहले पाकिस्तान हारा ही हुआ था, बट ट्रेंट बोल्ट नहीं, पहले जिस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने जो 2 चौके, हालांकि उसके बाद उन्होंने ईश तोड़ी ने जो विकेट अगले ओवर डाल दिया था, बावजूद इसके कि उसपे एक चौका भी मारा शोएब मलिक ने, 2 छक्के आए, हालांकि उसमें रन 13 ही आए, उन्होंने एक सिंगल 2 छक्के, उसके बाद 3 डॉट बॉल भी खेली, बट वो हो गया था ना कि मैं मार सकता। और आसिफ अली का ये था कि हम लोग हर कोई बोल ही रहा था ना कि आसिफ अली ये कर सकते हैं, आज उन्होंने करके दिखा दिया, सिंपल सी बात है। पर न्यूजीलैंड जब अगली बार इंडिया से मिलेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि यार हमने 135 पे इनकी हालत टाइट करी थी, वो बोलेंगे नहीं, न्यूजीलैंड देखो हारा है, पर न्यूजीलैंड ने एक छोटे टोटल में लड़ा भी जो इंडिया ने उस दिन नहीं लड़ा। हालांकि क्रिकेट है बॉस, आज आपका ये दिन होता है, कल दूसरा दिन होता है, और मैं कभी भी इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि जी 151 बनाने के बाद आप 10 विकेट से हार गए और देखो जी इन्होंने 135 में 5 आउट कर लिए और फंसा हुआ मैच आ रहे, ये अगले दिन ना मायने नहीं होते, हार हार होती है, जीत जीत होती है। पाकिस्तान वेल प्लेड, पाकिस्तान के लिए जो चीज अच्छी हुई है कि एक तो उनको दूसरी जीत मिल गई, और दूसरा जो पिछले मैच में हमने डिस्कस भी किया था कि उनका मिडिल ऑर्डर क्या उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, वो भी आज उनको पता चल गया कि वो कितना कर सकते हैं और कितना नहीं, क्योंकि ओपनर्स तो क्या कर सकते हैं वो हमने देख ही लिया था इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आज उनका जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर ऑर्डर है उसने लोअर ऑर्डर, तजुर्बे से एंड तक खड़े रहे, फिर उन्होंने इमाद को ऊपर खिला दिया, वो भी अपना मतलब क्या शॉट खेल रहे थे समझ नहीं आया, पाकिस्तान पैनिक कर रहा था, लेकिन आसिफ अली ने आके, एक्चुअली वही बात है जो आपके हार्दिक पांड्या को रोल दिया गया, आज आसिफ अली ने 12 बॉल में 27 रन बना दिए, जब प्रेशर था न्यूजीलैंड बॉल तो बुरा नहीं कर रहा था, लेकिन बैट्समैन अच्छा वो है जी, मैंने आपको जी बनाया 6 नंबर 7 नंबर के लिए, और तो किसको मारे उन्होंने? रन किसको मारे? बोल्ट और सऊदी को, मैं वही कह रहा हूँ कि उस दिन इंडिया कहाँ पे लैक कर गया, इंडिया के पास आई नो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बहुत बड़ी टीम है जी, मैं ICC टूर्नामेंट्स में इनको अब अपनी गलती लेंगे, गलती करेंगे हल्के में लेने की, बट इंडिया शुड बिलीव इन देमसेल्व्स, मुझे उस दिन ये लगा था इंडिया को देख के कि इंडिया अपने आप में विश्वास नहीं कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज में शायद समहाउ इंडिया उस दिन विश्वास नहीं कर रहा था, मे बी दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि पाकिस्तान इतना हॉस्टाइल आएगा, पाकिस्तान आया, एंड आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये वाली जीत इंडिया से ज्यादा बड़ी है इन टर्म्स ऑफ ये फंसा हुआ मैच जीते उन्होंने, और ऊपर से वहां तो चलो ठीक है, हमारी बॉलिंग बड़ी माठी थी, हमें समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज न्यूजीलैंड ने लड़ा और पाकिस्तान वो लड़ने के बावजूद एक संघर्ष करके मैच जीत गया। शुरू होने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान लगातार बोल रहा है कि हमको इंडिया को तो मारना ही है, लेकिन न्यूजीलैंड को भी छोड़ना नहीं है, उनसे भी वो चीज वो बदला लेना है जो वो चले गए थे वापस, तो अब हम उसकी बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान ये सब सोच कर आ रहा है, क्या उनका गेम खराब हो जाएगा, हमने जो प्री टूर्नामेंट एनालिसिस पाकिस्तान के किए वो सारे गलत, सब गलत है, हम नहीं वो गलत क्या होते हैं राशिका, देखिए पाकिस्तान को हम वही पाकिस्तान समझ रहे थे, इट इज अ चेंज पाकिस्तान। आई थिंक राहुल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बाबर ने पिछले मैच के बाद जो टीम को एक लेक्चर दिया, उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, हम गलतियां करते हैं, एक जीत को सेलिब्रेट करते हैं, चुपचाप रहो, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, और हमारा गोल एक डिफरेंट गोल है, आई लाइक इट। देखिए राहुल क्या है ना, रिजवान ने खुद ट्वीट किया है मोहम्मद शमी के लिए, अगर आप लोगों ने भी देखा ही होगा, तो देखो राशिका एक मिनट, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी जब इंडिया हारा था हम लोगों ने गलती की थी, प्लेयरों ने कुछ नहीं बोला था, आज भी पाकिस्तान के प्लेयरों ने, भले इंडिया का मैच हो भले न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड प्लेयर के प्लेयर किसने बोला आज,
कि न्यूजीलैंड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो भी तो बाहर से ही आवाजें आ रही थी। और क्या, वो आवाजें भी बाहर से ही आ रही थी और तो आवाजें तो है नहीं। मुझे आप एक बात बताइए ना, अगर ये कभी राशिका जब प्लेयर खुद खेल रहे हो, इफ दे गेट ओवरऑल और वो ओवर सेंटी हो जाए, आप हार जाते हो। एग्जैक्टली, आपको इमोशंस को तो कंट्रोल करना है ना। प्लेयर्स ये थोड़ी ना सोच के गए होंगे कि जी ये न्यूजीलैंड वाले हमारे यहाँ आए, हम वापस चले गए उठ के और इन्होंने हमारी प्रिपरेशंस को खराब कर दिया, इसलिए हम आएंगे। इमोशनल हो जाओ, हाँ आप इमोशनल हो जाओ। आई एम श्योर वो एक स्ट्रेटजी के साथ गए होंगे, जैसे नॉर्मल एक ड्रेसिंग रूम में उनकी प्लानिंग हुई होगी, उन्होंने ये करना है वो करना है, तू ऐसा करेगा तू वैसा करेगा, ये होगा वो होगा। बट बावजूद इसके देखिए एक बात है, आज 135 बनाए न्यूजीलैंड ने, अगर न्यूजीलैंड ने 145 बनाए होते, पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहले भी है कि उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा ना सवाल, थोड़ा सा हिला डुला है। आप उसमें इन रोड्स, आप द मोमेंट आप उनका जो टॉप ऑर्डर उड़ाते हो, रिजवान और आज रिजवान ने खेला, जो 135 जो अभी इन्होंने चेज करा है उसमें रिजवान का भी रोल है। आज भी शुरुआत छी दी थी रिजवान ने और वो तो चलो आउट हो गए, जबरदस्त कैच लिया वो जो डेविन कॉनवे ने, वो जो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम कैच था वो। एक्सीलेंट वाले कैच तो बहुत होते हैं, आगे वाले कैच भी होते हैं, साइड वाले कैच नहीं होते। एक वो थे ना उनके फास्ट बॉलर थे, थोड़ा ज्यादा नहीं खेले वो, काइल जिनका उनका सस्पेक्ट एक्शन भी था, फास्ट बॉलर थे काइल मिल्स स्माइल्स, उनका भी एक कैच, उन्होंने भी एक बड़ा जबरदस्त कैच लिया था। रबाडा ने भी एक कैच बहुत अच्छा पकड़ा था अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि राज ने एक सुपर चैट भेजा है, वो कह रहे हैं कि वो यूएसए से हैं और जो मर्जी कहिए पाकिस्तान ने खेला तो अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा खेला है इसलिए। एंड अगेन उनको देखकर पाकिस्तान को आज एक संघर्ष वाला मैच, संघर्ष मतलब टाइट गेम, आई थिंक इट इज अ पोटेंशियल चैंपियन टीम इन दिस वर्ल्ड कप, सबसे कंप्लीट टीम वही है, साउथ अफ्रीका ऐसे ऐसे, वेस्ट इंडीज इधर, इंग्लैंड ठीक है एक मैच, ऑस्ट्रेलिया ठीक है एक मैच, पाकिस्तान बट सर दिस टीम का मिडिल, इंडिया इज नॉट अ बैड टीम बट इंडिया डिड नॉट क्लिक ऑन डे वन, इंग्लैंड न्यूजीलैंड इज आल्सो नॉट अ बैड टीम, लेट मी से दिस, इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इतनी टीम अच्छी नहीं है, टीम बुरी नहीं है लेकिन उनके प्लेयर्स तो नहीं, राशिका आई थिंक 2020 में ओके ओके ही है, मतलब उनके पास है बट अभी तक देखिए क्या होता है, आप टीमों को हमेशा जज किया जाता है परफॉर्मेंस, अगर बाबर आजम पहले मैच में 8 पे आउट हो गए होते, आज 9 पे आउट हो गए होते तो आप कहते हैं कि यार बाबर का तो वर्ल्ड कप ही नहीं चल रहा है, लेकिन आज लोग उनके 9 रन की फेलियर को भुला देंगे बिकॉज ही स्कोर्ड रन्स अगेंस्ट इंडिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी तक पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई शक नहीं है, सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक, उस टोकरी में सब कुछ है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और 2 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है उनके पास। बट पाकिस्तान की किस्मत भी अच्छी है, दोनों मैचों में टॉस जीते हैं, जब आप दोनों मैचों में देखिए इंपॉर्टेंट टॉस जीतना, किस्मत क्या चीज होती है, किस्मत यही होती है ना कि आप इंपॉर्टेंट दिन टॉस जीत जाए, उस दिन इंडिया अगर टॉस जीत गया होता तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, बट टॉस हार गए ना, आज न्यूजीलैंड टॉस जीत गया होता तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, माइनस 1 पॉइंट, न्यूजीलैंड भी टॉस हार गया ना, सो कभी कभी ये होता है राशिका, तो मतलब फॉर्चून फेवर्स टॉस जीतो मैच जीतो वाला फंडा आपके सामने नहीं, बट उनकी बैटिंग मेरा मानना ये है, अगर आप टॉप ऑर्डर जिस टीम, ठीक है मैं मानता हूँ विक्रांत सर बोल रहे हैं कि बॉलिंग अटैक उनका कंप्लीट है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ वैरायटी है सबसे बड़ी बात उनके, और वो भी वैरायटी मतलब अच्छे बॉलर्स की वैरायटी है, राहुल उनके पास 5 विकेट टेकिंग ऑप्शंस है, इवन मोहम्मद हफीज बॉल डालते हैं, इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया के पास जो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट गेम 5 विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है, they may do well न्यूजीलैंड के मैच में, then we will reassess the situation. संयम जल्दी से उसके बाद मैं यार देखो शार्दुल को खिलाना पड़ेगा, अब शार्दुल लेकिन खेलेंगे मोस्ट लाइकली भुवनेश्वर की जगह, प्रॉब्लम है आज आसिफ अली किस नंबर पे आए हैं बैटिंग करने, आसिफ अली आए हैं 7 नंबर पे बैटिंग करने और शादाब ने आना था 8 नंबर पे बैटिंग करने, तो देखिए आप कंपेयर कीजिए ना, मैं क्यों कहता हूँ पाकिस्तान इज अ कंप्लीट टीम, आसिफ अली ने ये तो नहीं कहा कि यार विकेट ना क्या करूं, आसिफ अली ने ये भी नहीं कहा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आसिफ अली ने 12 बॉल में 3 छक्के मार के 27 नॉट आउट मैच जिता दिया ना, सो ये आपकी टीम हार्दिक पांड्या उसे नहीं कर पाए, आप ये चेज कर रहे थे वो वहां पे पहले बैटिंग कर रहे थे, इवन रविंद्र जडेजा लंबी हिट नहीं मार पाए, इवन विराट कोहली लंबी हिट नहीं मार पाए, T20 में राशिका अगर आप एट विल लास्ट 6 ओवर में छक्के नहीं मार पा रहे हो ना तो आपके लिए आसान नहीं होगा, एंड आई डोंट नो मे बी संडे को हमें बेहतर इंडियन टीम मिले, या हो सकता है संडे को एक और डिमोरलाइज्ड इंडियन टीम मिले, नहीं नहीं बट संडे का आपको इंतजार करना होगा बेहतर, और
कभी कभी क्या होता है, एक मैच से दूसरे मैच के बीच जो हफ्ते का वक्त वो है इंतजार, इट कैन बी किलिंग। अगर प्लेयरों को कभी कभी ना वो दोबारा से ऑफ करके ऑन करना, मैं इनफैक्ट बहुत वक्त से ये बात पूछने वाला था लोगों से। लेकिन ये भी है कि कभी कभी आपको वक्त मिलता है, उसका फायदा होता है। ठीक है, अभी एक मैच हुआ तो यार पाकिस्तान कैसे जीत रहा है? पाकिस्तान ने दो टॉस जीता है, शाहिद अफरीदी ने बॉल डाल दिया, तो यही बात हुई ना। तो शाहिद अफरीदी ने बॉल डाल दिया उस दिन, उन्होंने भाई बॉल डाला उस लड़के ने जो आपके डंडों में मार दिया, खत्म कर दी मैच। हाँ जी, विशाल बैनर्जी हैं वो बोल रहे हैं कैन शिखर धवन बी कॉल्ड बैक फॉर द वर्ल्ड कप एज ही इज अ बिग मैच प्लेयर एंड आल्सो परफॉर्म वेल इन यूएई, मिस द गबर, और वो वहां पर हैं भी। फहद आमिर है, वो कह रहे हैं हाय गाइस लव यू फ्रॉम पाकिस्तान, आई माइट रिमाइंड यू वी आल्सो हैव शोएब मलिक हु कैन आल्सो बोल 7 बोलर्स, थैंक्स। हां शोएब मलिक कितना वैसे हालिया, उन्होंने फहद जी बॉल नहीं डाला, बट ये है कि हाँ मैं ही सवाल उठाता था कि 41 साल के हफीज और 39 साल के शोएब मलिक का क्या पाकिस्तान को फायदा या नुकसान है। आज 50-50 दिखा है, शोएब मलिक ने अपने तजुर्बे से क्या किया ना, गेम थोड़ी थोड़ी चलाई, थोड़ी थोड़ी चलाई, थोड़ी थोड़ी चलाई, लेकिन एंड में अगर आसिफ अली का पहला कनेक्ट ना होता, आसिफ अली डंडे पे खा जाते तो आप लग गए थे। फहद आमिर जो है मेरे ख्याल से यूएई से ही है, अच्छा क्योंकि उसमें भेजा ना उन्होंने, दिरहम्स में भेजा है। शांतनु का सवाल है सर, वो कह रहे हैं कि क्या इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चोक कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअली वो उनके लिए नॉकआउट मैच होगा और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इंडिया बड़े मैचों में चोक हमेशा होता है जब आप अपने से हल्की टीम के खिलाफ अंडर परफॉर्म करें। तो मुझे नहीं लगता कि इन केस, देखिए दोनों सूरत हाल में, अगर इंडिया उस दिन न्यूजीलैंड से हारता है ऊपर वाला ना करे तो वो चोक नहीं होगा सर। न्यूजीलैंड ने हमेशा आईसीसी टूर्नामेंटों में हमें तंग किया है। न्यूजीलैंड फेवरेट होगा क्या उस मैच? मैं तो फेवरेट न्यूजीलैंड को मान रहा हूं, मेरा टशन है। हाँ, ये बोलिए, मैं नहीं कहूंगा इंडिया फेवरेट है भाई, मेरा तो अपनी टीम पे है, राइट टशन है अपना, मैं अपनी टीम। हम क्यों नजर लगाए, 65,000 लोग अगर इस वक्त हमारे साथ है तो आप मुझे बताइए ना, हम क्यों नजर लगाए अपनी टीम, टशन है, मैं कहूंगा न्यूजीलैंड इज द फेवरेट।